हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम इम्पोर्टेंट चीज़ डिस्कस करेंगे, रिएक्शंस हमारे नॉन मेटल्स के। रिएक्शंस ऑफ नॉन मेटल्स में नेक्स्ट वाला टॉपिक जो आपको लिखना है, दैट इज़ रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विथ हाइड्रोजन। टॉपिक है हमारा रिएक्शंस ऑफ नॉन मेटल्स विथ हाइड्रोजन। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विथ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के साथ हमारे को नॉन मेटल्स की रिएक्शन करनी है। हाइड्रोजन खुद एक नॉन मेटल है, बट नॉन मेटल्स हाइड्रोजन के साथ में रिएक्ट करते हैं एंड द कंपाउंड फॉर्म्ड इज अगेन कोवेलेंट इन नेचर। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट हम बोलेंगे। आपका टॉपिक है रिएक्शंस ऑफ नॉन मेटल्स विथ हाइड्रोजन। पहला स्टार्टिंग क्वेश्चन है कि क्या आपके नॉन मेटल्स हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं। हम बोलेंगे यस, नॉन मेटल्स डू रिएक्ट विथ हाइड्रोजन। नॉन मेटल्स हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं। तो जब नॉन मेटल्स हाइड्रोजन के साथ में रिएक्ट करेंगे, वेन नॉन मेटल्स रिएक्ट विथ हाइड्रोजन, दे फॉर्म व्हाट? दे फॉर्म हाइड्राइड्स। और ये हाइड्राइड्स को हम कोवेलेंट हाइड्राइड्स बोलेंगे। ये यू कैन से इट इज़ नॉन मेटल हाइड्राइड। नॉन मेटल हाइड्राइड और ये नॉन मेटल हाइड्राइड कोवेलेंट नेचर के होते हैं। ठीक है, चलो रिएक्शंस ऑफ नॉन मेटल विथ हाइड्रोजन। तो हम ऐसे बोलेंगे, सबसे पहले नॉन मेटल्स, सबसे पहला पॉइंट, नॉन मेटल्स रिएक्ट विथ हाइड्रोजन। नॉन मेटल्स रिएक्ट विथ हाइड्रोजन हाइड्रोजन टू फॉर्म नॉन मेटल हाइड्राइड्स, टू फॉर्म नॉन मेटल हाइड्राइड्स। हम ऐसा बोलेंगे कि नॉन मेटल्स जो है, नॉन मेटल्स रिएक्ट विथ हाइड्रोजन टू फॉर्म नॉन मेटल हाइड्राइड्स। जैसे हमने इसके पहले कंसिडर करे थे, मेटल और हाइड्रोजन की रिएक्शन अगर कराए तो मेटल हाइड्राइड बनता है। मेटल हाइड्राइड्स आर ऑल्सो कॉल्ड सलाइन हाइड्राइड्स। हमने इतना पॉइंट देखे थे। तो सबसे पहला जो पॉइंट है हमारा वो ये, नॉन मेटल्स रिएक्ट विद हाइड्रोजन टू फॉर्म नॉन मेटल हाइड्राइड्स। इसमें हम इसको ऐसा लिखेंगे कि हमारे पास नॉन मेटल है, NM प्लस हाइड्रोजन विल गिव नॉन मेटल हाइड्राइड। अभी नॉन मेटल हाइड्राइड का एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट लिख लेते हैं। नॉन मेटल हाइड्राइड जो है, इसके रिलेटेड इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है वो ये कि आपका जो नॉन मेटल हाइड्राइड है, ये कोवेलेंट कंपाउंड है। ठीक है, ये कोवेलेंट कंपाउंड रहेगा एंड इट विल बी फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन नॉन मेटल एंड हाइड्रोजन। इम्पॉर्टेंट पॉइंट लिखो, नॉन मेटल हाइड्राइड्स आर कोवेलेंट इन नेचर। मैंने कोवेलेंट का आपको ऑलरेडी क्वेश्चन होमवर्क में भी पूछ लिया है, प्लस कोवेलेंट का डेफिनेशन भी बताया, और आगे भी हमारे को इसके बारे में बहुत सी चीज़ समझनी है। तो व्हाट आर कॉल्ड कोवेलेंट कंपाउंड्स? कंपाउंड्स दैट आर फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड कोवेलेंट कंपाउंड्स। तो आपके जो नॉन मेटल हाइड्राइड्स आर कोवेलेंट इन नेचर, इसीलिए इनको कोवेलेंट हाइड्राइड्स भी बोला जाता है। दे आर ऑल्सो कॉल्ड कोवेलेंट हाइड्राइड्स। इतना इम्पोर्टेंट पॉइंट ध्यान रखो। एक और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बताना चाहूँगा। जब आपका कोई एलिमेंट है विच बिलोंग्स टू 14 ग्रुप ऑफ पीरियडिक टेबल, 15 ग्रुप ऑफ पीरियडिक टेबल, 16 ग्रुप ऑफ पीरियडिक टेबल एंड 17 ग्रुप ऑफ पीरियडिक टेबल। व्हेन एन एलिमेंट बिलोंग्स टू 15, 14, 16 एंड 17, 14, 15, 16 और 17, ये एलिमेंट्स जब आपके हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो आपका जो हाइड्राइड बनेगा दैट विल बी कोवेलेंट हाइड्राइड और नॉन मेटल हाइड्राइड। नॉन मेटल हाइड्राइड्स कब फॉर्म होते हैं? नॉन मेटल हाइड्राइड्स आर फॉर्म व्हेन एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 14 और 15, 14 ग्रुप का जैसे कि कार्बन, कार्बन का अगर आपने हाइड्राइड देखी तो उसका एक एग्जाम्पल रहेगा CH4। नॉन मेटल ऑफ 15 ग्रुप जैसे कि नाइट्रोजन, उसका हाइड्राइड NH3। फिर H2O आप 16 ग्रुप को कंसिडर कर सकते हैं। 17 ग्रुप में HCl वगैरह आप कंसिडर कर सकते हैं। तो ये जो है, दे आर ऑल कोवेलेंट हाइड्राइड, ये सब कोवेलेंट हाइड्राइड है। ठीक है, तो जनरल से पॉइंट ध्यान रखो। पहले इंट्रोडक्शन में हमेशा बोलेंगे नॉन मेटल्स हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते क्या। यस, नॉन मेटल्स रिएक्ट विथ हाइड्रोजन टू फॉर्म नॉन मेटल हाइड्राइड्स। नॉन मेटल प्लस हाइड्रोजन विल गिव नॉन मेटल हाइड्राइड। नॉन मेटल हाइड्राइड्स आर कोवेलेंट इन नेचर
एंड दे आर ऑल्सो कॉल्ड कोवेलेंट हाइड्राइड्स, दे आर ऑल्सो कॉल्ड कोवेलेंट हाइड्राइड्स। अब ये कोवेलेंट हाइड्राइड्स कब फॉर्म होते हैं? कोवेलेंट हाइड्राइड फॉर्म होगे जब आपका एक नॉन मेटल हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा। आपका जो पीरियोडिक टेबल है, उस पीरियोडिक टेबल में आपके नॉन मेटल जनरली 14 ग्रुप, 15 ग्रुप, 16 ग्रुप और 17 ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल में होते हैं, ठीक है। नॉन मेटल्स आर जनरली ऑब्टेंड और आर प्रेजेंट इन 14, 15, 16, 17 एंड 18 ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल। 18 ग्रुप रिएक्ट करता नहीं, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, जब आपका 14 ग्रुप का एलिमेंट या कोई एलिमेंट 15 ग्रुप का या फिर 16 ग्रुप का या फिर 17 ग्रुप का अगर कोई एलिमेंट नॉन मेटल जब आपके हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा, तो जो कंपाउंड बनेगा उसको हम कोवेलेंट हाइड्राइड बोलेंगे। इसके भी टाइप्स है, बट हमारे को उसके टाइप्स नहीं समझना है, वो आपको 11th में हाइड्रोजन चैप्टर में बिल्कुल सीखने मिलेगा। बट हाइड्रोजन चैप्टर ये साल से नीट में एलिमिनेट हो गया, तो शायद आपको इसके बारे में और डिटेल में पढ़ने ना मिले, बट हम इंपॉर्टेंट चीज़ बोल के रखेंगे। कौन से ग्रुप के एलिमेंट्स नॉन मेटल हाइड्राइड्स बनाते? 14th, 15th, 16th, 17 ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल, ठीक है। इतना पॉइंट लिख लो, फिर अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम। और इसके रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट चीज, अब आपका जो नॉन मेटल हाइड्राइड है और मेटल हाइड्राइड है, दोनों में डिफरेंस क्या है? आपका नॉन मेटल, अगर सपोज आपको ऐसा क्वेश्चन आता है, राइट डिफरेंस बिटवीन नॉन मेटल हाइड्राइड एंड, लिख लो चलो डिफरेंस, दो पॉइंट लिख लेंगे हम। राइट डिफरेंस बिटवीन नॉन मेटल हाइड्राइड एंड मेटल हाइड्राइड, राइट डिफरेंस बिटवीन नॉन मेटल हाइड्राइड एंड मेटल हाइड्राइड। नॉन मेटल हाइड्राइड और मेटल हाइड्राइड के बीच आपको डिफरेंस अगर पूछा जाए लिखने के लिए, तो क्या रहेगा? नॉन मेटल हाइड्राइड, नॉन मेटल हाइड्राइड, और उसके बाद जो दूसरा है दैट इज मेटल हाइड्राइड। नॉन मेटल हाइड्राइड, मेटल हाइड्राइड, ये दोनों हाइड्राइड जो है आपके, इनके बीच में आपको डिफरेंस लिखना है। यू नीड टू राइट डिफरेंस बिटवीन नॉन मेटल हाइड्राइड एंड मेटल हाइड्राइड। केमिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंस अगर पूछा जाए तो आपको लिखते आना चाहिए। तो मैं तो बोलेंगे आपका जो नॉन मेटल हाइड्राइड है, नॉन मेटल हाइड्राइड इज फॉर्म वेन नॉन मेटल रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन। सबसे पहला बेसिक पॉइंट, कोई भी बच्चा लिख देगा ये, नॉन मेटल प्लस हाइड्रोजन गिव्स नॉन मेटल हाइड्राइड। मेटल हाइड्राइड, मेटल प्लस हाइड्रोजन विल गिव मेटल हाइड्राइड। मेटल प्लस हाइड्रोजन गिव्स मेटल हाइड्राइड। फिर उसके बाद नेक्स्ट वाला पॉइंट, नेक्स्ट वाला पॉइंट हमारा ये है कि अब अगर आपने नॉन मेटल हाइड्राइड अगर कंसिडर करें, तो हम ऐसा बोलेंगे दे आर कोवेलेंट कंपाउंड्स। ये कोवेलेंट कंपाउंड्स है नॉन मेटल हाइड्राइड। आपके जो मेटल हाइड्राइड है दे आर आयोनिक कंपाउंड्स। ये जो आपके कंपाउंड्स है ये आयोनिक है, ठीक है। तो मेटल हाइड्राइड्स आर आयोनिक कंपाउंड, नॉन मेटल हाइड्राइड्स आर कोवेलेंट कंपाउंड। उसके बाद हम और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बोल सकते हैं कि आपका जो नॉन मेटल हाइड्राइड है, इट डू नॉट हैव एन आयन एंड कैटायन, एन आयन और कैटायन, इसमें कैटायन एन आयन प्रेजेंट नहीं होता है। इसमें हम बोलेंगे कि आपका जो मेटल है, मेटल फॉर्म्स कैटायन एंड हाइड्रोजन फॉर्म्स एन आयन, फॉर्म्स एन आयन। इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको और ध्यान रखना है। फिर उसके बाद में हम इसको एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल सकते हैं इसमें, कि आपके जो नॉन मेटल हाइड्राइड्स है दे आर, नॉन मेटल हाइड्राइड्स दे आर कंसिडर्ड टू बी, अगर इसके हमने इसको सॉल्यूशन में डाल दिए पानी में, तो ये इसकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी कंसिडर अगर करे तो क्या होगा? तो हम ऐसा बोलेंगे दे आर नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स मतलब कि इनका सॉल्यूशन जो है वाटर सॉल्यूशन, यानी आपने हाइड्राइड लिए नॉन मेटल वाला और उसको पानी में डाले, तो इनका सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। फिर उसके बाद नॉन इलेक्ट्रोलाइट के बाद में, अगर सपोज आपने मेटल हाइड्राइड लिए, तो मेटल हाइड्राइड्स आर इलेक्ट्रोलाइट्स इन नेचर। इलेक्ट्रोलाइट्स मतलब ये डिसोसिएट होंगे, डिसोसिएट होके इट इज गोइंग टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखो, नॉन मेटल हाइड्राइड्स आर नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, मेटल हाइड्राइड्स आर इलेक्ट्रोलाइट्स। इवन क्लोराइड भी अगर आपने कंसिडर करे, क्लोराइड
अगर सेम डिफरेंस आपको क्लोराइड में पूछा जाए तो क्या लिखना है आपको, कि मेटल प्लस क्लोरीन, नॉन मेटल प्लस क्लोरीन विल गिव नॉन मेटल क्लोराइड, मेटल प्लस क्लोरीन विल गिव मेटल क्लोराइड। फिर हम बोलेंगे कोवेलेंट या आयोनिक, एनायन एंड कैटायन आर नॉट फॉर्म, इसमें हम बोलेंगे मेटल फॉर्म्स कैटायन एंड एनायन, एनायन और कैटायन नॉट फॉर्म लिख देता, ठीक है, आपको कन्फ्यूजन नहीं होना। नॉट फॉर्म, इसमें कैटायन एनायन फॉर्म होते हैं, इसमें दे आर नॉन इलेक्ट्रोलाइट, इसमें दे आर इलेक्ट्रोलाइट्स। इतना सिंपल सा पॉइंट आपको किसके लिए लिखना है, मेटल क्लोराइड और नॉन मेटल क्लोराइड में। तो हाइड्राइड का डिफरेंस मैंने बताया है, ट्राई टू सॉल्व डिफरेंस बिटवीन नॉन मेटल क्लोराइड एंड मेटल क्लोराइड, इट विल बी इजी फॉर यू। सिर्फ आपको हाइड्रोजन की जगह क्लोरीन लगा देना है वहाँ पे, ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जिसमें हम देखेंगे कि कोई रिएक्शन वगैरह कुछ हमारे काम में कुछ क्वेश्चन आता है कि वो पॉइंट देखना है। अब अगर सपोज आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि एक एलिमेंट है जो फर्टिलाइजर्स वगैरह बनाने में यूज़ होता है, नॉन मेटल है, और उसकी रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ में की गई है एंड इट गिव्स अ हाइड्राइड, ठीक है, इट गिव्स अ हाइड्राइड एंड दैट हाइड्राइड इज बेसिक इन नेचर, आइडेंटिफाई द एलिमेंट। तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, हमेशा याद रखो आपका जो एलिमेंट है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन जो है इट इज़ यूज इन मेकिंग ऑफ फर्टिलाइजर्स वगैरह, अमोनिया अमोनियम कंपाउंड्स वगैरह सब बनते हैं इससे। नाइट्रोजन एक ऐसा नॉन मेटल है 15 ग्रुप का जो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया फ्रॉम नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन इज कॉल्ड हेबर प्रोसेस, और रिएक्शन हमने ऑलरेडी देखे थे इसके पहले, N2+H2 गिव्स NH3, तो ये हो जाएगा 2NH3, दिस विल बी 3 टाइम्स, तो N2+3H2 गिव्स 2 टाइम्स ऑफ NH3। तो एक ऐसा नॉन मेटल एक दूसरे नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करेगा एंड फॉर्म्स अमोनिया, अमोनिया गैस इज सोल्यूबल इन वाटर, अमोनिया गैस सोल्यूबल है वाटर में, अमोनिया गैस को बनाया जाता है बाय हेबर प्रोसेस, ये जो प्रोसेस है उसको हम हेबर प्रोसेस बोलेंगे, हेबर HABER। फिर उसके बाद इम्पॉर्टेंट इसका स्ट्रक्चर रहेगा, अमोनिया का जो स्ट्रक्चर है इस तरीके से निकाला जाता है, ठीक है, दिस इज एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ अमोनिया, अमोनिया गैस जो है इससे बहुत सारी चीज़ें बनाई जा सकती है, इसके यूजेस वगैरह फर्टिलाइजर्स वगैरह बनाने में ये गैस यूज होंगी, इट इज़ बेसिक इन नेचर, अमोनिया जो गैस है ये बेसिक नेचर की होती है, बेसिक नेचर मतलब अगर सपोज आपने इसको वेट लिटमस पेपर पे से पास करे तो वेट लिटमस पेपर में यू विल सी दैट ब्लू लिटमस विल टर्न टू, सॉरी रेड लिटमस विल टर्न टू ब्लू, ये एक बेसिक गैस है, इसका pH 7 से ज़्यादा होता है। तो नॉन मेटल व्हेन रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन फॉर्म्स अ बेसिक गैस, आइडेंटिफाई द एलिमेंट, तो आंसर विल बी नाइट्रोजन, ठीक है। या फिर आपको सिंपल क्वेश्चन पूछा जा सकता, व्हाट इज एक्शन ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, तो हम बोलेंगे नाइट्रोजन रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन टू गिव अमोनिया गैस। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जल्दी से लिख लो, ठीक है, जो भी मैं एक्स्ट्रा पॉइंट बोल रहा हूँ सब लिखना है, क्योंकि आपको घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, असर्शन रीजन देन पैराग्राफ देन MCQs, ये सब हमारे को हर एक चैप्टर्स के स्पेशल क्वेश्चन मतलब स्पेशल सेशंस लेके सॉल्व करना है। वी विल अरेंज स्पेशल सेशंस इन विच वी आर गोइंग टू कंसिडर असर्शन रीजन देन वी आर ऑल्सो गोइंग टू कंसिडर MCQs वगैरह, पूरा हमारे को सॉल्व करना है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट बोल रहा है सब नोट करके रखो, वहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 20 मार्क्स जो है वो आपके MCQs में है, तो MCQs आपके गलत नहीं आने चाहिए। अब चलो अब हम क्या करेंगे, अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन एक्शन ऑफ कार्बन ऑन, क्वेश्चन है आपके सामने, एक्शन ऑफ कार्बन ऑन, कार्बन ऑन पहला पहला रहेगा हाइड्रोजन, और दूसरा क्वेश्चन लिखो क्लोरीन, ठीक है, दोनों क्वेश्चन ले लेता मैं, एक्सप्लेन एक्शन ऑफ कार्बन ऑन हाइड्रोजन एंड क्लोरीन, कार्बन की रिएक्शन हमारे को हाइड्रोजन और क्लोरीन के साथ करनी है। तो याद रखो आपका जो कार्बन है ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता टू फॉर्म CH4, CH4 का मतलब मीथेन होता है,
बैलेंस करते टाइम सी प्लस टू टाइम्स ऑफ एच टू गिव सी एच फोर, ये जो रहेगा ये कंपाउंड, इसका नाम है मीथेन। ये एक प्रकार का अल्केन है। अल्केन वगैरह क्या है वो हम डिटेल में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब चालू होगा, कार्बोनेट्स कंपाउंड, तब हम डिटेल में देखेंगे। सी प्लस टू टाइम्स ऑफ एच टू गिव सी एच टू, सॉरी सी एच फोर, सी एच फोर इज मीथेन। ये एक अल्केन है, ये एक हाइड्रोकार्बन है। वाई हाइड्रोकार्बन? कंपाउंड कंटेनिंग ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। मैं आपको इसका भी स्ट्रक्चर निकाल के बता देता। ये आपको कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में रहेगा, इसका स्ट्रक्चर होता है टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है, इट इज टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। और ये जो एंगल होता है दैट इज 109.5 डिग्री, 109.5 डिग्री एंगल होता है कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में। लिख लो ये वाला। चलो, व्हाट इज एक्शन ऑफ कार्बन ऑन हाइड्रोजन? तो हम बोलेंगे कार्बन रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन टू फॉर्म मीथेन, और ये उसका अल्केन का स्ट्रक्चर निकालना है आपको मीथेन का। व्हाट इज स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन? टेट्राहाइड्रल, टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर होता है। वो लिख के इतना। चलो अब इसके आगे का क्वेश्चन सॉल्व करते। एक्सप्लेन एक्शन ऑफ कार्बन ऑन क्लोरीन। कार्बन ऑन क्लोरीन हमारे को रिएक्शन करना है कार्बन और क्लोरीन की। कार्बन और क्लोरीन की रिएक्शन बहुत सिंपल है। कार्बन इज अ नॉन मेटल, क्लोरीन इज ऑल्सो नॉन मेटल, तो कंपाउंड विल बी ऑब्वियसली कोवेलेंट। कार्बन प्लस क्लोरीन विल गिव सी सी एल फोर, टू टाइम्स ऑफ क्लोरीन। सी सी एल फोर जो है इसको हम टेट्रा, इसके दो नाम है। पहला नाम है टेट्रा क्लोरोमीथेन, ये एक इसका नाम लिख सकते हैं आप। और इट इज कॉल्ड सी सी एल फोर को हम दूसरा नाम बोलेंगे कार्बन, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ठीक है, टेट्रा क्लोरोमीथेन और कार्बन टेट्रा क्लोराइड। तो व्हाट इज एक्शन ऑफ क्लोरीन एंड कार्बन? कार्बन इज अ नॉन मेटल, इट रिएक्ट्स विद क्लोरीन विच इज ऑल्सो नॉन मेटल टू फॉर्म नॉन मेटल क्लोराइड सी सी एल फोर। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि अ नॉन मेटल रिएक्ट्स विद क्लोरीन टू फॉर्म अ नॉन मेटल क्लोराइड, दैट नॉन मेटल क्लोराइड इज यूज इन फायर एक्सटिंग्विशर, इज इन फायर, फायर एक्सटिंग्विशर, एक्सटिंग्विशर आइडेंटिफाई द एलिमेंट एंड आई राइट द रिएक्शन। तो आपको ये वाली रिएक्शन लिखनी है। याद रखना है टेट्राक्लोरोमीथेन और कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये जो है इसका यूज है फायर एक्सटिंग्विशर में। इट इज़ वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर। और इसका जो कमर्शियल नेम है उसको हम पायरेन बोलेंगे। पायरेन, PYRAN, पायरेन। पायरेन इज यूज एज फायर एक्सटिंग्विशर, और कार्बन टेट्रा क्लोराइड हम उसको कंसिडर करेंगे। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखो। हमारा हो गया नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की रिएक्शन, कार्बन और हाइड्रोजन, कार्बन और क्लोरीन की। एक और एक एक क्वेश्चन सॉल्व करते अभी। चलो सॉल्व टू मोर क्वेश्चंस, दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एक एक फिर आपको होमवर्क में दूंगा। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन चलो। एक्सप्लेन द एक्शन ऑफ, एक्सप्लेन द एक्शन ऑफ, एक्सप्लेन द एक्शन ऑफ सल्फर ऑन हाइड्रोजन। एक्सप्लेन द एक्शन ऑफ सल्फर, सल्फर नॉन मेटल है हमारा, सल्फर ऑन हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन और सल्फर की रिएक्शन होगी क्या? यस, सल्फर इज अ नॉन मेटल, इट रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन टू फॉर्म H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। एंड H2S जो है हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, इट हैज स्मेल ऑफ रॉटन एग्स। इसके पहले डिस्कस हुआ है ये हमारा, इसका स्मेल होता है रॉटन एग्स के जैसा, सड़े हुए अंडे जैसी स्मेल होती है किसकी? H2S की। तो एक्सप्लेन एक्शन ऑफ सल्फर ऑन हाइड्रोजन। सल्फर रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन टू गिव हाइड्रोजन सल्फाइड। ये भी जो कंपाउंड है हमारा, इट इज अगेन कोवेलेंट इन नेचर, इकोवेलेंट हाइड्राइड है। ठीक है, चलो एक होमवर्क के लिए आपको क्वेश्चन है इसमें। एक्सप्लेन, सिमिलर क्वेश्चन है, एक्सप्लेन एक्शन ऑफ, एक्शन ऑफ ऑक्सीजन ऑन सल्फर, सॉरी ऑक्सीजन ऑन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ऑन हाइड्रोजन। ठीक है, ये आपको सॉल्व करना है। एक्सप्लेन एक्शन ऑफ ऑक्सीजन ऑन हाइड्रोजन, इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको सॉल्व करना है। ये आप होमवर्क में करेंगे, इसके बाद का क्वेश्चन हम मिलके करने वाले हैं।
चलो हुआ इतना लिख के, बढ़ना है आगे। चलो अब आगे बढ़ते, लास्ट क्वेश्चन देखेंगे आज का, फिर एक होमवर्क, फिर उसके बाद में वीडियो ख़त्म करेंगे। चलो आगे का जो पॉइंट है वो ध्यान से सुनना है। अब आपको क्वेश्चन है, एक्सप्लेन एक्शन ऑफ फॉस्फोरस, एक्सप्लेन एक्शन ऑफ फॉस्फोरस ऑन हाइड्रोजन। फॉस्फोरस और हाइड्रोजन की रिएक्शन होती क्या? यस, फॉस्फोरस इज P4 प्लस हाइड्रोजन विल गिव PH3। 4 टाइम्स ऑफ फॉस्फोरस, तो इधर 4 कर देता मैं, 4 × 3 = 12, तो ये 6। तो P4 प्लस 6 टाइम्स ऑफ H2 विल गिव 4 टाइम्स ऑफ PH3। P इधर, H H और ये H, और इस पे भी एक लोन पेयर होता है ऐसा, ये उसका स्ट्रक्चर है, ये याद रखना है। PH3 जो गैस है इसका नाम क्या होता है? PH3 गैस का नाम होता है फॉस्फीन। तो व्हाट इज नेम ऑफ PH3 गैस? PH3 गैस का नाम फॉस्फीन होता है। तो व्हाट इज एक्शन ऑफ हाइड्रोजन ऑन फॉस्फोरस? फॉस्फोरस रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन टू फॉर्म फॉस्फीन गैस। फॉस्फीन गैस ही बनाता है, और आपका जो फॉस्फीन गैस है ये पॉइजनस है। इट इज यूज्ड इन रैट पॉइजन। रैट पॉइजन में ये गैस जनरेट होती है, उसके डिटेल में ना जाते, उसे भी याद रखो। रैट पॉइजन में ये गैस वगैरह यूज होगी, राइट? रैट पॉइजन जब बनेगा तब उसका पॉइंट यूज आएगा 12th में। इट इज ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग होल्म सिग्नल। होल्म सिग्नल में भी यूज होता है इसका। और ये जो है न्यूट्रल गैस है, फॉस्फिन इज अ न्यूट्रल गैस। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना है। तो ये हो गए हमारे पूरे क्वेश्चंस रिलेटेड टू नॉन मेटल अलॉन्ग विथ हाइड्रोजन। नॉन मेटल्स की भी रिएक्शन हमने पूरी कंप्लीट कर ली है। अब आपको क्या करना है, यू नीड टू राइट डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल ऑन बेसिस ऑफ इट्स केमिकल प्रॉपर्टीज़। अभी तक हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पे भी डिफरेंसेस ऑलरेडी लिख लिए थे, मैंने होमवर्क दिया था तब भी बोला था मैंने आपको कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे भी डिफरेंस पूछा जाता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यू नीड टू राइट डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल ऑन बेसिस ऑफ इट्स केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो इतना पॉइंट आप करके रखो। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ। जय हिंद।